लइका समझ के क्षमा कर दे हूं। बस अतकी मोर से अर्जी है, विनती है।
तनु जानी के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज, आज आपके गांव बंजारी में त्रिदिवसीय मानस गंगा प्रवाहित हुआ था वे। ये ज्ञान गंगा में हम मल्ला डुबकी लगाए की सुंदर अवसर मिले है। आई अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, मानुष जन्म दुर्लभ है। मिले न दूजी बार पक्का फल जोगी पड़ा बहुरी न लागे डार। दाई हो भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। भगवान अनंत होकर नाम अनंत होकर गुण अनंत है, राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार। दाई हो दरिया के चार ठन पार होते, नदिया के दुठान पार होते, लेकिन ये भगवान की कथा के कोई पार नहीं है। असीम अपार है, इमे बड़े बड़े ऋषि मुनि हजार मुख वाले से शारदा भी डुबके नहीं लगा सकीस। तमे हा तुच्छ बुद्धि के जीव अबला नारी हा, वो प्रभु के चरित्र के वर्णन ला आप मन लगा सुना सकू। फिर भी अपन मति के अनुसार आप मन छत्तीसगढ़ी भाषा में बताए की प्रयास करत हूँ। मोर से जो भी गलती होई ओला अपन बेटी समझ के या बहन समझ के क्षमा कर दे। जियो मुड़ उठा के और रेंगो छाती ठोक, जियो मुड़ उठा के और रेंगो छाती ठोक, पढ़ो लिखो सुनो गुनो छत्तीसगढ़ ही गोड। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पीवरा रंग मटासी, गुरमटिया की मोटाहा चौर गजब मीठा थे बासी। साग में राजा जिमी कांदा, साग में राजा जिमी कांदा, औ हम सुरहा कढ़ी है वैसने अबड़ मयारू मोर। ये भाषा छत्तीसगढ़ी है, ये भाषा छत्तीसगढ़ी है। हिंदी इंग्लिश बोलो नहीं बोल थमे छत्तीसगढ़ ही, हिंदी इंग्लिश बोलो नहीं बोल थमे छत्तीसगढ़ ही, लगन लगावे तब अब्बड़ मीठा थे ए राम नाम की कढ़ी, ए राम नाम की कढ़ी। जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, अरे जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, इससे बढ़कर जज्बात क्या। जिसने दी जिस्म जिगड़ और धड़कन, उससे बढ़कर सौगात क्या। चंद पल की जिंदगी तेरी, अरे चंद पल की जिंदगी तेरी, उसमें तेरी सर क्या और मात क्या। जिसकी कथा से शारदा भी नहीं कह सकते, तो मैं क्या और मेरी औकात क्या। मोर औकात ही का है सजनों, मैं तो केवल प्रयास रत नारी हरों, प्रयास ही कर सकता हूँ। भैया हो गोस्वामी तुलसीदास जी हा हमला मानस रूपी दर्पण ल झाके पर कहे है, तो हम झाक के देखन हमार सकल सूरत कैसे दिखत है। राम जैसे या रावण जैसे, सीता जैसे या सूर्पनखा जैसे। भगवान राम तो स्वयं मर्यादा के रास्ता में चले है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ था, माता पिता गुरु न वही माथा। यदि हम रोज सवेरे से सो उठ के माता पिता और गुरु के प्रणाम करन, सादर सास ससुर पद पूजा, यही अधिक धर्म नहीं दूजा। यदि अपन सास ससुर ल देवी देवता मान करके पति परमेश्वर ईश्वर मान के भगवान मान के दिचलन, गोस्वामी जी के लिखे हुए लकीला पंक्ति ला हमारे हृदय में धर के जीवन में अमल करन, तो हमारे नारी जीवन सार्थक हो सकती और महतारी हो। तो अपन कथा प्रसंग में आवन, हमार मन के कथा प्रसंग है। अरण्यकांड दोहा क्रमांक चार, उसी रामचरित मानस के तीसरा सोपान अरण्यकांड के दोहा क्रमांक चार में आप सबके हार्दिक स्वागत है। भगवत में स्कंध ग्यारवा महाभारत में गीता है, भगवत में स्कंध ग्यारवा महाभारत में गीता है, अरण्य कांड में ज्ञान भरे है, नारी चरित्र में सीता है, नारी चरित्र में सीता है। मानस प्रेमी सजनों, यहाँ भगवान राम लक्ष्मण और जगत जननी माँ सीता तीनों माता पिता के आज्ञा के पालन करे खातिर 14 साल के वनवास हो हिदाई हो। वनवास में तो भगवान रामला ही मिले रही से, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के सेवा करे बर, जगत जननी माँ सीता जी जो है अपन पतिव्रता धर्म ला निभाए बर अपन पति के साथ में 14 साल ले जंगल में आए मुर्दाई हो। कुछ दिन चित्रकूट में निवास करी, फिर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे है। अत्रि मुनि जो है ज्ञान वैराग्य और भक्ति ला पा करके बहुत खुशी हो जाते, आनंद हो जाते, अपन भाग्य के सराहना करते कि धन्य है मोर भागला, आज मोला परमात्मा घर बैठे दर्शन दे है। जेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि मन हजारों वर्ष तक से तपस्या करते, पूजा करते, हवन करते, तब भोले ओमन ला दर्शन नहीं दे, लेकिन आज मोर छोटी से सेवक ला घर बैठी मोला दर्शन दे, अहो मोर भाग्य। ऐसे कही अपन भाग्य के सराहना करत है और कथी की हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनों के ऊपर दया करने वाले, हे परमात्मा, हे जानकी नाथ, आपके लो मिहर प्रणाम करत हूँ, मोर प्रणाम ला स्वीकार कर प्रभु और मोर मोर लिए आप प्रसन्न हो जा। ऐसे अत्रि मुनि जो है भगवान राम से कथे और कथे कि आपके चरण कमल ला, आपके चरण कमल के मोला भक्ति दे दे,
जे जीव जो है आपके ये प्रसंग ला सुनी या पढ़ी या गही ओहा परम गति ला प्राप्त कर डारही। एमा कोई संदेह के बात नहीं है, कोई शंका के बात नहीं है, परम गति ला पारही पाही और आपके भक्ति ला पाही। ऐसे अत्रि मुनि जो है भगवान राम से प्रार्थना करते विनती करते विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। अत्रि मुनि कथे कि हे प्रभु मैं आपसे आपके कौन प्रकार से प्रार्थना करूं, कौन प्रकार से मैं विनती करूं, मोर में कोई सामर्थ्य नहीं आपके पूजा करे के आपके भक्ति करे के, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। अत्रि मुनि जो है बार बार प्रार्थना करते विनती करते दाई हो विनती करते और कथे कि चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजे मति मोर, मोर मन जो है मोर दिल जो है आपके चरण कमल कभू मत त्यागे, मोर मति जो है आपके चरण कमल के से कभी दूर मत रहा है, आपके चरण कमल के ही नजदीक में रहा है। ऐसे अत्रि मुनि जो है बार बार प्रार्थना करते विनती करते कि हे नाथ ये दास के विनती ल स्वीकार कर ले, ए दास के अर्जी ल स्वीकार कर ले प्रभु, आपके चरण कमल के मोला भक्ति दे दे, आपके चरण कमल के मोला दास बना ले। काजल लागे किरकिरा सुरमा सहा न जाए जिन नयनन में हरि बसे दूजा कौन समाए। दाई हो जिन आँखी में संत महात्मा के दर्शन हो गए, साधु गुरु के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, वो आँखी में आँखी के सजावट के लिए काजल लगाए जाते सुरमा लगाए जाते वहू किरकिरा कांटा के समान लगते, जे आँखी में संत महात्मा के दर्शन हो गए वो कर लिए। आज इसने प्रकार से अत्रि मुनि जो है भगवान राम से बार बार प्रार्थना करते विनती करते। तो आप नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का बताए है बोले भजन के बाद बताबो। बोली रज राम चंद्र की जय।
सावित्री मुनि जो है भगवान राम और लक्ष्मण जगत जननी माँ सीता जी के आदर सत्कार करते हुकर मन के सेवा करते मुर्दाई हो तो घर में आए हुए अतिथि के घर में हुए आए हुए अतिथि देवता के समान होते अतिथि देवता भव अतिथि देवता के समान होते और देवता समझ के भगवान समझ के होकर आदर सत्कार करते मुर्दाई हो और सुंदर प्रकार से चरण वंदना करते और कहाँ ले आ हो कैसे आत हो वो तो परमात्मा अंतर्यामी है कथे कि हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो सबके घट घट में निवास करने वाला पार ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक स्वयं आज मेहर आपके कौन प्रकार से स्तुति करूं कौन प्रकार से विनती करूं कथे आदर सत्कार करते दाई हो और गुरु घलो कथे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षाति पारि ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समान सेवा करना चाहिए। आज भी ये कलयुग में हमारे घर में कोई संत महात्मा आते साधु गुरु आते उकर मन के मान सम्मान करना चाहिए आदर सत्कार करना चाहिए माता पिता के आदर सत्कार करना चाहिए सास ससुर के आदर सत्कार करना चाहिए मोर दाई हो हमारे पति के हमला आदर सत्कार करना चाहिए लेकिन कहाँ पावे दाई हो ये कलयुग में कतको बहु बेटा मन लात मार के अपन बाप महतारी ला निकाल दे है जैन महतारी मन अनिरुद्ध आचार्य के आश्रम में जाके अपन जीवन निर्वाह करत है जैन महतारी हमला 9 महीना ले अपन गर्भ में रखे री प्रसव पीड़ा से हमला जन्म दे है स्वयं गीला में सो के हमला सुखा में सुलाए है पिताजी उंगली धर उंगली पकड़ के चलना सिखाए है आज वो माँ बाप ला हम कैसे भूल सकथन मोर दीदी हो। जिस माँ ने तुझे 9 महीने जिस माँ ने तुझे 9 महीने तुझे गर्भ में अपने ढोया सीने का दूध पिलाया जब जब बंदे तू रोया सीने का दूध पिलाया जब जब बंदे तू रोया बढ़कर जह तेरा माँ पर तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं कोई ठिकाना जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना दिल उनका नहीं दुखाना। तो भैया मन से प्रार्थना है विनती है कि अपन माँ बाप ला घर से मत निकालो माँ बाप के आदर करो सेवा करो। दीदी मन से भी प्रार्थना है विनती है कि अपन सास ससुर के सेवा करो पति के सेवा करो यही में हमारी नारी जाति के भलाई है मुर्दाई हो। चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो दुख देवे दुख होता है सुख देवे सुख होए हम कोनोला सुख देवो तो कर बदला हमूला सुख मिली कोनोला दुख देवो तो कर बदला हमूला दुख मिली ए समझ के हम माता पिता के सेवा करन सास ससुर के सेवा करन। अनसैया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशीला विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। जगत जननी माँ सीता जी जो है अत्रि मुनि से आशीर्वाद लेके प्रणाम करके माता अनसुईया के पास में आते अनसुईया कोने अनुमन छोटे सुईया मन सुंदर स्वभाव वाली कभी ओकर जीवन में अहंकार नहीं होई दाई हो शीतल स्वभाव वाली सुंदर स्वभाव वाली पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली अनसुईया के पास में जगत जननी माँ सीता जी जो है गे है और ओकर चरण वंदना करे है मुर्दाई हो ओकर पास में बैठे है जैन अनसुईया जो है ब्रह्मा विष्णु ला अपन पतिव्रता धर्म के प्रताप से 6-6 माह के बालक बना के अपन स्तन से गोरस पिलाते मुर्दाई हो।
एक समय की बात है, देवरी सिनारत जो है पृथ्वी लोक में भ्रमण करत करत अनसुईया के आश्रम में चल देते। अनसुईया के ओकर पतिव्रता धर्म के प्रताप ल देख के जाके वहाँ क्षीर सागर में लक्ष्मी माता ल भड़का देते कि तुमन बड़े हरण कथो, तुमन पतिव्रता धर्म के पालन करन करथन कथो, तुहान ले बड़े पृथ्वी लोक में माता अनसुईया अत्रि मुनि के धर्म पत्नी माता अनसुईया के आज पृथ्वी लोक में जय जयकार हुआ थे। ऐसे कथे अब उसने कैलाश पर्वत में जाक माता पार्वती ला भड़का दी, ब्रह्मलोक में जाके माता ब्रह्माणी ला भड़का दी। अब तीनों देवी जो है अपन अपन पति ला परीक्षा ले बर भेज दी माता अनसुईया के कुटी में, माता अनसुईया के आश्रम में। तीनों देवता जो है अपन अपन रूप ल छिपा के भिक्षाम देवी मैया कथे, माता अनसुईया हा पात्र में कंद मूल फल ला के देते मोर दाई हो। तो साधु साधु मन कथे कि हमन ऐसा भोजन नहीं पान, ते हमला बिना वस्त्र के हमला पेट भर भोजन खिला दे। ऐसे कथे माता अनसुईया सुन के चकित हो जाते, ऐसे अनुचित बात करैया एमन कौन हरे, पतिव्रता धर्म के प्रताप ल स्मरण करके देखते तो ये मन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश हरे। तब फिर वही पतिव्रता प्रताप पतिव्रता धर्म के प्रताप ल स्मरण करके अपन पति के कमंडल के जल ल छिड़क थे। तीनों देवता जो छह छह माह के बालक बन जाते, माता अनसुईया पालना में बुलावत है, अपन स्तन से गोरस पिला थे मोर दाई हो। छह महीना बीत गए, ए डहन लक्ष्मी कहा थे भगवान विष्णु ल में अनसुईया के परीक्षा ले भर भेजे हूँ दाई, आज ले नहीं आवा थे। ओ दहन कैलाश पर्वत में माता पार्वती है कहा थे भगवान भोलेनाथ ला में माता अनसुईया के परीक्षा ले भर भेजे हूँ, आज तक ले नहीं आवा थे। ए डहन ब्रह्माणी कहा थे ब्रह्मा जी ला में परीक्षा ले भर भेजे हूँ, आज तक ले नहीं आवा थे। तीनों देवी जो है अपन अपन लोग ले निकल गए, फिर माता अनसुईया के आश्रम में चल दी। मैया हमार क्षमा कर दाई, हमार आपके महिमा नहीं जानत रहें, हमार जीवन में अहंकार आगे दाई, हमार सब ले बड़े हरण कहत रहें, लेकिन हमार से बड़े ते हरस मैया, आज हमार अहंकार टूट गए दाई हो। आज भी ये कलयुग में कोनो ला रूप के अहंकार आ जाते, कोनो ला अपन परिवार के अहंकार आ जाते, कोनो ला धन के अहंकार आ जाते, कोनो लपन पद के अहंकार आ जाते, और अहंकार में आए के बाद में वो परमात्मा ला भूला जाता। कोनो ला सरपंच के पद मिल गए या कोनो ला विधायक के पद मिल गए, ये गांव के कोनो दीदी या भैया सरपंच के पद में हो ही वो मल में नहीं कहा था, ये कलयुग के बात ला बतावत हूँ। कोनो ला सरपंच के पद मिल गए या विधायक के पद मिल गए, तानो कर अभिमान ला का पूछा था, अपन आप ला बड़ा तोप चंद समझ थे कि गांव में नहीं छाऊंगा, मैं जैसने कथो ना उसने मोर बात ला मानते। एमएलए बन गए नोटों से, एमएलए बन गए नोटों से, जनता सारी से क्या मतलब, पट्टा निकल गए कलेक्टर से तो पटवारी से क्या मतलब। आज तीनों देवी मल्ला ऐसने अहंकार आगे रही दाई हो, आज उकर अहंकार टूट गए। फिर माता अनसुईया से प्रार्थना करते विनती करते कि मैया हमार पति मल्ला दे दे, तब वो पालना कर ले के देखाते ले अपन अपन पति लुठा ले कथे। तब तीनों जन के एक सकल एक रूप एक उमर नहीं पहचान सकी, फिर प्रार्थना करते कि मैया अब हमार अहंकार टूट गए दाई, हमार पति मल्ला वापस कर दे। माता अनसुईया जो है फिर पतिव्रता धर्म के प्रताप लय स्मरण करके वही कमंडल के जल लक्ष्य रखते तो तीनों देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते। बोल शंकर भगवान की जय। तीनों देवी तीनों देवता माता अनसुईया के जय जयकार करत अपन अपन लोक में चले जाते मोर दाई हो। आज वही अनसुईया के आश्रम में जगत जननी माँ सीता जी जो है पहुँचे है, और ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई अत्रि मुनि के धर्म पत्नी माता अनसुईया जो है जगत जननी माँ सीता जी ला पाके बहुत खुश होते, आनंद मनाते, खुशी मनाते मोर दाई हो। और आशीष दे निकट बैठाई, आशीर्वाद दे के अपन सामने बैठारते, जैसे हमन बहुत दिन में अपन मैके जाथन, मैके जाथन तो दाई दादा हमला देख के खुशी होते, आनंद मनाते, और आशीर्वाद दे के हमन प्रणाम करथन तो हमला आशीर्वाद दे के अपन पास में बैठारते और घर के कुशल समाचार पूछते मोर दाई हो। उसी प्रकार से माता सीता जिला माता अनसुईया जो है अपन सामने बैठा रहे है। तो आप नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का बताए है बोले एक भजन के बाद बताओ। बोलिए राजा राम चंद्र की जय। लगी राम दरबार तब भोले लगा थी खाली खाली,
रात के दरबार लगे एकदम खाली खाली लगा थे, है ना, है ना, नींद लगा था। चलो ताली बजाओ। अगर झूम करो एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलिए जय रामचंद्र की जय। राजा राम लंका हुए संग वारी, मन मा बसा के तन मा बसा के तर जही चोला मोर, मन मा बसा के तन मा बसा के तर जही चोला मोर। बढ़िया मीठी मीठी ताली 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 के साथ भजन के आनंद उठाओ। जय झूला मोर, मन मा बसा के
मुर्दाई हो। जग जननी माँ सीता जिला माता अनसुईया जो है दिव्य वसन भूषण पहिराए। वसन यानी कपड़ा, वसन यानी कपड़ा, भूषण यानी गहना, मर्यादा रूपी कपड़ा, लज्जा रूपी गहना पहिरा थे दाई हो। हमन पहने हन टेरी का टेलिंग के लुगरा, दो दिन पहिरा थन ताने तीसरा दिन में गंदा हो जाते। साबुन के जरूरत पड़ते, निरमा के जरूरत पड़ते। छह महीना पहिर थन तहन फट जाते दाई हो, चिरा जाते। दूसरा कपड़ा बदले की जरूरत पड़ते। लेकिन माता सीता ला ऐसे गहना वस्त्र पहिरईस कि वह कभी पुराना नहीं होइस, कभी मैला नहीं होइस, कभी फटिस नहीं। ऐसे दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। मर्यादा रूपी कपड़ा दाई हो। हमन विवाहित स्त्री जतका भी संसार में हन, विवाहित नारी हन, ओकर लिए चाहे हम मायके में रहन चाहे ससुराल में रहन, हमार सिर कभी खुला नहीं होना चाहिए। ससुराल में रहेगा थन सिर ढका है, सिर नीचा करके चार जन चौपाल में बैठे थे मन, फलाना बहुगा हमेशा रेंगते गली में, ओकर सिर हमेशा ढकाए रहते, हमेशा सिर झुके रहते। एमा हमार सास ससुर के मान मर्यादा, पति के मान मर्यादा बढ़ते। मुर्दाई हो, मायके में जा थन, मायके में गली में रहेगा थन सिर ढकाए, सिर नीचा है, फलाना बेटीगा या ओकर बहिनी हमेशा आते, ओकर मुंह सिर कभी खुला नहीं हो, हमेशा सिर झुका के चलते। एमा दाई ददा के और भाई बहनी के मान मर्यादा बढ़ते दाई हो। लज्जा रूपी गहना वसन ही नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। कोनो स्त्री ला लाखों रुपया के सोना चांदी के हीरा मोती जवाहर के गहना बना के पहिरा दे, पूरा ओकर शरीर में गहना लपोत दे, और एको कनी मर्यादा रूपी कपड़ा नहीं है, ए मर्यादा रूपी कपड़ा नहीं है तो गहना शोभा दी दाई हो। बिना कपड़ा के भले ही हमारे पास में एको पैसा गहना मात्र है, लेकिन ये मर्यादा रूपी कपड़ा होना जरूरी है, और लज्जा रूपी गहना हमेशा हमार सिर झुके रहा है। जगत जननी माँ सीता जी, लक्ष्मण जी महाराज, भगवान राम, तीनों प्राणी जंगल में निकले है। जे जगह रात हो जाते वो जगह मर रात रुक जाते। आस पास के लोगन मन ला मालूम होते कि हमारे गांव के नजदीक में संत महात्मा आए है, भगवान आए है की के उकर मन से मिले बर आते। तब भगवान राम और लक्ष्मण कर पुरुष वर्ग के मन बैठते और पूछते कि भैया तुमन कहाँ लात हो, कहाँ के रहवैया हो और काबर जंगल में आए हो। तब मन बताते ही अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा, मोर नाम राम ए मोर छोटे भाई लक्ष्मण ने, हमन अपन माता पिता के आज्ञा के पालन करे खातिर 14 साल के लिए वनवास आए हन। ऐसे अपन परिचय बताते वो मन अवेति माता सीता कर, माता सीता कर हमारा सन दीदी मन बैठे। वो मन कहे कसिया बहनी तोर संग में दूझन पुरुष है, तेमन कौन आए कथे। माता सीता हर कथे सहस सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। अपन देवर के परिचय पैसे पहली बताते दाई हो। सहस स्वभाव वाला है, गोरा शरीर वाला है, तेहर मोर छोटे देवर और वो का नाम लक्ष्मण है, ऐसे कथे। तब एक जना सियानी न सन रहा ते कहा और सांवला शरीर वाला है ते कौन हरिया, ऐसे कहा। तब माता सीता दाई हो धरती मातम बैठे है और अपन अंचल ऐसे ढांक ली, शतक धूल ढांक ली और धरती मातल देखे बल लग गए। काबर धरती मातल देखे बल लग गए, वो माता सुनैना के गर्भ से जन्म नहीं ले है, वो धरती माता से प्रकट हो है। मुर्दाई हो माता सीता हा, एकर से ती मैं अपन माँ के गोद में बैठे हूँ और माँ के गोद में बैठ के अपन पति के परिचय ल कैसे बताओ। ऐसे कही के लाच के मारे मूल आती ढांक ले थे और बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी, पियतन चितई भौंकरी बाकी, ऐसे तिरछा नजर करके बताते कथे। बड़ा मुश्किल से लाच के मारे, बड़ा मुश्किल से लाज के मारे वो सांवला शरीर वाला है, तेहर मोर पति परमेश्वर हरे और वो कर नाम राम हरे, ऐसे कथे। अब आजकल कलयुग में दाई हो, कलयुग में हमन कैसे मुंह ढांक थन, बिहाव हो काते तहन आधा मुंह ढकाए रहते, 15 दिन होते तहन आधा हो जाते, दू लैका महतारी हो तहने सिर खुला करके गली में रेंगा थन। ये कोई हमार मर्यादा है दाई हो, ये हमार कोई मर्यादा न है। हम मर्यादा रूपी कपड़ा लज्जा रूपी गहना पहिरन, इमें हमार नारी जाति के भलाई है। जे नित नूतन अमल सुहाए, तब ये
ऐसने हमार सास ससुर के मान मर्यादा बढ़ी, दाई दादा के मान मर्यादा बढ़ी, तभी तो हमार नित्य प्रतिदिन हमार नाम जो है आगे बढ़ी मोर दाई हो। और कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म के कुछ बात बताते दाई हो। माता अनसुईया जगत जननी माँ सीता जी ला कथे कि हम बहनी मन एक गृहस्थ रूपी गाड़ी के एक पहिया माने गए है, जैसे भगवान के मार्गदर्शक भगवान लकई थे उसने ढंग से गृहस्थ के मालिक पति वर्ग होते। हमार भैया मन बैलगाड़ी चलाते, बैलगाड़ी में दो पहिया होते, दोनों पहिया मजबूत रहते तब तो गाड़ी आगे बढ़ सकते मोर भैया हो। और एक पहिया जहाँ कमजोर हो गए ना तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सके, आधा बीच में वो गाड़ी भसक जही। वैसने ढंग से गृहस्थ रूपी गाड़ी के हम सब नारी माला एक पहिया माने गए है। संसार के मार्गदर्शक भगवान लकई थे वैसने ढंग से गृहस्थ के मालिक पति वर्ग होते। हम सब नारी पति के सेवा करके एक अच्छा भक्ति ला पा सकत हन, पूजा पाठ तीर्थ व्रत सबके फल पति के सेवा मिलते। एकरे कारण यही अरण्य कांड में लिखे है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति के चरण कमल में पति के सेवा में ही तीनों धाम है मुर्दाई हो। तीरा धाम है सबरी सीता अनसुईया सन, रामायण के आदर्श नारी आओ, धन्य है मोर महतारी हमार भारत देश के फुलवारी आओ। जिंदा आग में जले बर राम हम मजबूर करी, बैठ के चीता में सीता सच्चाई के सबूत लदी। महारानी तारा ऊपर का विपत नहीं पड़ी, धन्य हो सावित्री जी अपन पति खातिर यमराज से लड़ी। पीना है तो पति प्रेम पियो, का रखे गंगा जल पिए में, पति के संग सती हो जाओ का रखे जिंदगी जिए में। दाई हो हम बहनी मन के मन में एक छोटे से उद्देश्य है नारी जागरण के, कोई ग्राम के नारी सीता के रूप में जाग जाए या कोई ग्राम के नारी माँ कौशल्या के रूप में जाग जाए। सियान मन कहते कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम अपन आप ला पहली सुधारन, अपन घर ला राममय बना लेवन। घर में सास होते ससुर होते, सास ला माँ कौशल्या की भांति देखन, ससुर जिला राजा दशरथ की भांति देखन, पति परमेश्वर भगवान राम के रूप में देखन, तो आज भी त्रेता युग आ सकते मोर दाई हो। धन्य है मोर सास ससुर मोर पति परमेश्वर जो कि मोला यहाँ तक आए के अनुमति दे है। उन कर्मन के चरण स्पर्श लपा करके आप सब संत समाज के दर्शन लपा के मैं धन्य हो गए हूँ, मोर नारी जीवन धन्य हो गए दीदी हो। एक सेती कहे गए है कि प्रकृति की सिंगार है नारी, प्रकृति की सिंगार है नारी, वरदान और चमत्कार है नारी, ना समझ हो तो मासूम और अबला हसियत की भागीदार है नारी। नारी लक्ष्मी सीता है मीरा है मरिया में, और कहीं मजबूर और लाचार है नारी। पुरुष अगर खुद को हिमालय समझे तो गंगा की धार है नारी, पुरुष नैया की कश्ती है तो कश्ती की पतवार है नारी। नारी अगर मुस्कुरा दे चुनरे चमन में बहारा जाए, नारी अगर मुस्कुरा दे चुनरे चमन में बहारा जाए, और बिगड़ जाए तो दो धारी तलवार है नारी। नारी नारी सब कहे नारी गुण की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान, ध्रुव प्रहलाद समान। तो दीदी हो पीला बत्ती जल गए, भैया मने संकेत करत कि बहनी तुहर मन के जाए के बेरा हो गए। लाल बत्ती जली ताने खतरा के निशाने दाई हो, ए मन से हमला तुरंत उठना पड़ी। ताव एक भजन के बाद आप मन से विदा लेवन, और वो भजन बसंती पर्व की सम्मान में। झंझरा धा हो बेला ले लाल हो, हाय हाय अब इससे आगे क्या कहा जाए, एक कप चाय पिया जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। झंझरा धाहो बेला ले लाल वो, झंझरा धाहो बेला ले लाल वो, चारो मुड़ा उड़ाते गुलाब।
चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, 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 चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। हो ही खेलत नंद लाल हो, हो ही खेलत नंद लाल हो, चुपचाप वो बैठे होते हैं।